1990 से लेके 2005 तक बिहार की जनता ने उनको टाइम दिया था और बस का बस किडनैप हो जाता था और प्लान वे में होता था, प्लान वे में माफियागिरी होता था। तो उस समय इनको अपने गिरवान में झांक के देखना चाहिए। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा जेल और बेल के खेल करता हो, जो हमेशा अलकतरा घोटाला से लेके चारा घोटाला के मामले में जेल आता और जाता हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह ट्वीट करके सीएम नीतीश और डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा था। महंगाई और अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए थे। तो अब सतीश चंद्र दुबे, केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने तेजस्वी पर गजब का पलटवार किया है। सतीश चंद्र दुबे ने ये कहा कि 1990 से 2005 तक बिहार की जनता ने इनको समय दिया और ये क्या किए, बस का बस किडनैप हो जा रहा था और सब प्लान होता था, माफियागिरी होती थी और उस समय अपने गिरबान में ये झांक के देखे कि जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा जेल और बेल पर रहा हो वो क्या करेगा, जो घोटाला और चारा घोटाला के मामले में जेल में आता और जाता हो उनका सवाल ही नहीं बनता है कि किसी पर भी वो सवाल खड़े करे। वहीं महिलाओं, जिस तरीके से कोलकाता में दुष्कर्म हुआ ममता बनर्जी, उस पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो लेटर लिखा है उस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पब्लिक को दिखाने के लिए तमाशा है, सच्चाई है कि बंगाल में जंगल राज अपराधी बेलगाम है, जिसको जो मन करता है वो करते हैं, सीबीआई जांच इसलिए करना पड़ा क्योंकि ममता बनर्जी पर्दा डालना चाहती थी। वहीं राजद ने राजद छोड़ दिया, इस पर उन्होंने कहा कि समय आने दीजिए, केवल उनके परिवारवाद रह जाएंगे, भाई और माँ बाप यही पार्टी में रह जाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। देखिए, एक सतीश चंद्र दुबे ने बड़ा बयान दे दिया, अशोक चौधरी ने भी कहा था कि धीरे धीरे राजद के लोग निकलकर हमारे पास आएंगे और सतीश चंद्र दुबे ने भी ये कह दिया कि बस उनके घर में परिवारवाद, माँ बाप, भाई और तेजस्वी यादव रह जाएंगे, बाकी कार्यकर्ता हमारे पास आ जाएंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे, खुद चल के सुनिए। सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं अपराध में क्या भगवान, सब चीजों में नंबर वन है पर इनकम में, गरीबी में बिहार सबसे पीछे है, गरीबी में सबसे पीछे है। देखिए, अपराध पे जहां तक बोल रहा है तो 1990 से लेके 2005 तक बिहार की जनता ने उनको टाइम दिया था और बस का बस किडनैप हो जाता था और प्लान वे में होता था, प्लान वे में माफियागिरी होता था। तो उस समय इनको अपने गिरवान में झांक के देखना चाहिए। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा जेल और बेल के खेल करता हो, जो हमेशा अलकतरा घोटाला से लेके चारा घोटाला के मामले में जेल आता और जाता हो, वो उसको सवाल ही नहीं बनता है कि वो किसी पर क्वेश्चन मार्क कर सके। ममता बनर्जी ने बंगाल में हो रहे मामलों को लेकर के और देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लेटर लिखा है। देखिए, लिखने से कुछ थोड़े होता है, वो तो एक पब्लिक को दिखाने के लिए तमाशा है। रियलिटी है कि वहाँ जंगल राज कायम है, वहाँ बेलगाम अपराधी हैं, जो जिसको मन करता है जब करता है करती हैं। और आज सीबीआई जांच कराना क्यों पड़ा, क्योंकि उस मामले में पर्दा डालना चाहती थी, इसलिए सीबीआई जांच हो रहा है। आरजेडी के कई नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं सर। समय केवल उनका परिवारवाद रह जाएगा, बहन और भाई, माँ और बाप, यही पार्टियां रह जाएंगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।